फ्रेंड्स, दिस मंथ गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना. सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रोमोसोमल एब्रीवेशन. सो क्रोमोसोमल एब्रीवेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम का ही एक टाइप है. हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम में एबनॉर्मैलिटी आती है वो दो तरीके से आती है. या तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाए, दैट मीन्स न्यूमेरिकल एब्रीवेशन, या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, दैट मीन्स स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन. तो इससे पहले हम न्यूमेरिकल एबनॉर्मल क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि एनिप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी और जो भी इनसे रिलेटेड डिसीज होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं. उन वीडियोस की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. नोट्स के साथ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. आज की इस वीडियो में हम क्रोमोसोमल एब्रीवेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि मेन पॉइंट्स हमारे क्या रहेंगे, डिलीशन, डुप्लीकेशन, थर्ड वन इज इन्वर्जन एंड फोर्थ वन इज ट्रांसलोकेशन. तो स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन में हम मेजरली ये चार पॉइंट्स पढ़ते हैं. इसके साथ अगर आपको आज की वीडियोस के नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएंगे और उन्हीं नोट्स को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए. तो अब हम शुरू करते हैं डिलीशन से. क्रोमोसोमल एब्रीवेशन जनरली होता क्या है, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आ जाए. अब स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आ सकता है, या तो क्रोमोसोम का कुछ पार्ट हम जीन यहाँ पर लेके चल सकते हैं कि कुछ पार्ट या तो डिलीट हो जाए या वो डुप्लीकेट हो जाए तो स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, म्यूटेशन भी हो जाती है. या कोई भी जो पार्ट है वो इन्वर्ट हो जाए, यानी कि उल्टा हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो इस तरीके से क्रोमोसोम में एब्रीवेशन क्रिएट होती है. उसी का पहला पार्ट हम यहां डिस्कस करेंगे, डिलीशन. बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. नाम से ही पता चल रहा है, डिलीशन, यानी कि क्रोमोसोम का अगर कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है, दैट मींस इट विल बी नोन एज डिलीशन. अब डिलीशन कैसे होता है, तो मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम है, इसके ये सेगमेंट ए बी सी डी एंड ई. अब क्या होगा, इसका कुछ सेगमेंट डिलीट हो जाए या कट हो जाए, लॉस हो जाए, उसको हम डिलीशन कहते हैं. जैसे कि मान लीजिए इसमें हम अगर डिलीट कराना चाहें तो क्या हो सकता है, सेगमेंट डी और ई, तो कैसे होगा, पहले यहां पर क्या लगेगा, कट लगेगा, उसके बाद ही ये यहां से गायब होंगे. तो अब किस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, पहले लगा कट यहां पर, तो एक कट लगने से ये पोर्शन क्रोमोसोम का डिलीट हो गया है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिलीशन. अब डिलीशन भी दो तरीके से हो सकते हैं, यानी कि एक तो टर्मिनल पर, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनल डिलीशन, और दूसरा होता है इंटरस्टीशियल. टर्मिनल डिलीशन तो हमारा ये होता है, यानी कि अगर एंड पॉइंट से डिलीशन होता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन. तो जैसे इसमें हुआ, या तो नीचे की एंड से डिलीशन होगा या ऊपर की एंड से डिलीशन होगा, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन. इंटरस्टीशियल डिलीशन में क्या होता है, अगर बीच से कोई भी क्रोमोसोम का सेगमेंट गायब हो जाए, जैसे कि हम इसमें मान सकते हैं बी और सी, अगर हमें मान लीजिए ये बी और सी सेगमेंट डिलीट हो जाए, तो ये बीच में से, क्रोमोसोम के बीच में से गायब हुआ है, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, एक कट तो यहां पर लगेगा ए और बी के बीच में, और एक कट लगेगा यहां पर सी और डी के बीच में. तो इंटरस्टीशियल डिलीशन में क्या होगा, इंटरस्टीशियल डिलीशन में हमें कितने कट लगाने पड़े, दो कट लगाने पड़े, और टर्मिनल में सिर्फ एक कट लगाना पड़ा. उसके बाद फिर इनकी रीजॉइनिंग हो जाती है, तो ये अपने फॉर्म में आ जाते हैं. यहाँ पर ये बात सोचने वाली है, जैसे कि इसमें इंटरस्टीशियल डिलीशन में हुआ है कि अब जब डिलीट हुए तो दो फ्रेगमेंट बन गए, एक तो ये पार्ट जो डिलीट हुआ और अब हमारा एक ये, तो अब क्या दोनों ही अपना काम करते हैं, क्या दोनों ही नॉर्मल तरीके से वर्क करते हैं, तो नहीं. जिस रीजन में या जिस क्रोमोसोम के सेगमेंट में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, ये बीच का जो पार्ट होता है इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं. आई होप आपको ये पॉइंट पता होगा, इसका फंक्शन क्या है सेंट्रोमियर का. तो सेंट्रोमियर जिस क्रोमोसोम के सेगमेंट में होता है वो फंक्शनल होता है, और जो दूसरा होता है वो डिग्रेड हो जाता है. जैसे कि अगर हम बात करें तो ये फंक्शनल है, हालांकि दूसरे तरीके से वर्क करेगा, वो कैसे करेगा ये भी बताऊंगी.
और इसमें सेंट्रोमियर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये डिग्रेड हो जाएगा, यानी कि नॉन फंक्शनल होगा, इसका कोई काम नहीं है। फंक्शनल हमारा ये होता है। तो जैसे कि हमें पता है जो क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं इस तरीके से, मदर से आता है और एक फादर से आता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, जिसमें कि अकॉर्डिंग टू अगर हम मेंडेलियन लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो हर कैरेक्टरिस्टिक के दो एलील होते हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया है। अब इसको हम बोल सकते हैं डोमिनेंट और इसको हम बोल सकते हैं रिसेसिव, यानी कि अगर ये दोनों क्रोमोसोम जब एक साथ जाते हैं, हम इसमें एक एलील को लेके पढ़ सकते हैं कि मान लीजिए ये दोनों क्रोमोसोम अभी नॉर्मल वे में है तो डोमिनेंट वाले जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो शो करती है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अगर कैपिटल टी हो दोनों साथ जाएंगे तो कौन अपने आप को शो करेगा, डोमिनेंट वाला, यानी कि प्लांट जो होगा वो कैपिटल टी होगा। लेकिन इन केस ये कैपिटल टी वाला जो एलील है ये डिलीट हो जाए तो उस केस में क्या होगा, जब ये डोमिनेंट वाला रहा ही नहीं तो स्मॉल टी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसको पूरी पूरी आजादी है कि मेरे से ऊपर वाला चला गया है, अब मैं अपने आप को शो करा सकता हूं। तो वो प्लांट कैसा हो जाएगा अगर इनकेस डिलीशन हो जाती है कैपिटल टी की, तो वो प्लांट फिर हमें रिसेसिव दिखता है और इस केस को हम सूडो डोमिनेंस भी बोल सकते हैं। तो इसी को यहां पर लेके अगर हम चले, मान लीजिए ये कैपिटल सी है, ये डोमिनेंट है, ये कैसे भी यहां से डिलीट हो गया है, तो अब इस केस में क्या होगा, जो ये कैपिटल सी और स्मॉल सी की कैरेक्टरिस्टिक है क्या वो दिखेगी, नहीं दिखेगी, लेकिन जो स्मॉल सी है ये रिसेसिव है, ये अब अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है क्योंकि स्मॉल सी तो जो कैपिटल सी था वो तो चला गया, वो डिग्रेड हो गया क्योंकि वो फंक्शनल अब नहीं है क्योंकि उसमें सेंट्रोमियर नहीं है, ठीक है। तो अब स्मॉल सी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, डिलीशन में हमें सूडो डोमिनेंस भी देखने को मिलता है। तो हमने डिलीशन में मेन पॉइंट्स क्या पढ़े, पहला डिलीशन में कोई भी एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम का सेगमेंट का डिलीशन होता है, दूसरा दो तरीके के होते हैं टर्मिनल डिलीशन एंड इंटरस्टिशियल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन क्या होते हैं, जब क्रोमोसोम के एंड पॉइंट से कोई भी सेगमेंट या कोई भी स्पेसिफिक रीजन डिलीट होता है, दैट मींस इट इज नोन एज टर्मिनल सेगमेंट, सॉरी टर्मिनल डिलीशन। इफ देयर इज ए डिलीशन बिटवीन द क्रोमोसोमल सेगमेंट तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन में सिर्फ एक ब्रेक पॉइंट होता है, यानी कि एक ही कट लगता है, देन उसके बाद ये रीजॉइन हो जाते हैं, ये ऐसे अलग नहीं रहते हैं, यानी कि अब ये इसका जो कुछ स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, बस ये सी एलील यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। इंटरस्टिशियल डिलीशन में क्या होता है, क्योंकि बीच में से जाता है तो दो कट लगने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, जब दो अलग सेगमेंट बन जाते हैं किसी भी क्रोमोसोम के, तो जिस सेगमेंट में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है वो जो क्रोमोसोम है का सेगमेंट है वो फंक्शनल होता है, लेकिन जिस सेगमेंट में सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता है वो हमारा नॉन फंक्शनल होता है, जिसकी वजह से उसका कुछ काम नहीं होता तो वो डिग्रेड हो जाता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब डिलीशन की वजह से काफ़ी कॉमन डिसीज है जो कि आपने सुन भी रखी होगी, आई थिंक सिलेबस में भी होगी, जिसका नाम है क्राई ड्यूचेट सिंड्रोम। तो ये जो सिंड्रोम है, डिसीज है, ये कैसे होती है, क्रोमोसोम नंबर 5 में डिलीशन होता है। सेकेंड थिंग इज दैट इट इज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय जेरियोम लेजियो इन 1963। अब डिलीशन के दौरान क्या होता है, जिस पोर्शन का डिलीशन होता है क्रोमोसोम नंबर 5 में, वो क्रोमोसोम पर जो जीन होता है, जीन ऑब्वियसली किसी प्रोटीन को एनकोड करेगा, तो वो जो जीन होता है एक एंजाइम को एनकोड करता है, जिसकी हम पता है एंजाइम भी प्रोटीन्स ही होते हैं, और उस एंजाइम का क्या नाम है, टेलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो टेलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो जीन कोड करता है वो जीन डिलीट हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 5 में ह्यूमन बीइंग में, जिसकी वजह से क्या होता है, इस एंजाइम का जो वर्क होता है वो नहीं कर पाएगा, और इस एंजाइम का क्या वर्क होता है, टिलोमेयर के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना।
तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ये डिलीट हो जाएगा तो टिलोमेयर अच्छे से मेंटेन नहीं रहेगा और ये सिंड्रोम जनरली हो जाता है। और वो जीन जो इस एंजाइम को एनकोड करता है उस जीन का नाम है TERT जीन। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डुप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन और अदर जितने क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। द बायोसाइंस अरीना के नाम से ही मेरा वहाँ पर पेज है।